Hello friends and welcome to my channel That's Studious Girl, and in today's video we are going to study about the Ajanta caves. So Ajanta caves are a very important site for UPSC prelims as well as mains, because they form a very important part of cave architecture in India. Okay, and UPSC always gives one or the other question either in prelims or in mains or the cave architecture. So these become very important for both UPSC prelims and mains, and kafi detailed topic hai Ajanta caves. Agar aap 11th class ki fine arts ke NCRT dekhenge, so usme bhi 2-3 pages mein isko cover kiya gaya hai. So aaj ki video mein we are only going to focus on the Ajanta caves. So sabse pehle to Ajanta caves ke bare mein ek ye fact yaad rakhiyega that they are purely Buddhist site. Okay, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में एलिफेंटा केव्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें हिंदू एंड बुद्धिज़्म दोनों से रिलेटेड केव्स मिलती हैं, बट अजंता केव्स आर प्योरली बुद्धिस्ट केव्स. ठीक है, नेक्स्ट जो इसके बारे में हमको फैक्ट याद रखना है वो ये याद रखना है कि अजंता केव्स में टोटल 29 केव्स हैं, एंड दीज आर रॉक कट केव्स. तो रॉक्स को काट के जो केव्स बनाई जाती हैं वैसी ये केव्स हैं. नंबर है इनका 29. कुछ सोर्सेस में आपको ये नंबर 30 या 31 मिल सकता है, बट वी विल गो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी. सो एनसीईआरटी में 29 लिखा है, सो हमको 29 ही याद रखना है. नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट है लोकेशन. सो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं इन द वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स में जो महाराष्ट्र के अंदर पोर्शन आता है उसको बोलते हैं सह्याद्री रेंज. ओके, सो औरंगाबाद इन महाराष्ट्र में ये केव्स लोकेटेड हैं, एंड काफ़ी फेमस टूरिस्ट साइट भी ये हैं. ठीक है, देन यहाँ पे आपको एंशियंट मोनास्ट्रीज एंड वर्शिप हॉल्स मिलेंगे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड, एंड यहाँ पे काफ़ी पेंटिंग्स प्रेजेंट हैं. कुछ पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा वेल प्रिजर्व्ड भी हैं जो कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड हैं. सो बुद्धा की जो लाइफ से रिलेटेड टेल्स हैं उनको बेसिकली बोला जाता है जटाका टेल्स. सो यहाँ पे जो भी पेंटिंग्स हैं वो बुद्धा की लाइफ, उनके जो रिबर्थ हुए या उनकी पास्ट लाइफ हुई या उनकी जो लाइफ थी उससे रिलेटेड जो भी टेल्स थी उनको ये डिपिक्ट करती हैं पेंटिंग्स. ओके, नाउ अजंता केव्स का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये केव्स डेवलप हुई थी 2 टाइम पीरियड में. ओके, सो रिमेंबर दीज केव्स वर डेवलप्ड इन 2 टाइम पीरियड. वन वाज द 1st and 2nd century BC एंड द अदर वाज द 5th and 6th century AD. ओके, सो पहली जो डेवलपमेंट हुई थी वो 1st and 2nd century BC में हुई थी. सेकेंड डेवलपमेंट हुई थी 5th and 6th century AD में. ठीक है, नाउ ये अर्ली फेज था, ये डेवलप हुआ था अंडर द सतवाहनास. ओके, एंड ये सेकेंड फेज था, ये डेवलप हुआ था अंडर द वकटकास. ओके, सो रिमेंबर 1st and 2nd century BC में पहले इनकी डेवलपमेंट हुई थी अंडर द सतवाहनास, एंड देन इनकी डेवलपमेंट हुई थी 5th and 6th century AD में अंडर द वकटकास. ओके, सो जो पहले इसकी डेवलपमेंट हुई थी 2nd and 1st century में, वहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे डेवलपमेंट नहीं हुई थी. केव्स बनाई गई थी, पेंटिंग्स बनाई गई थी, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव पेंटिंग्स नहीं बनाई गई थी. बट इन द 5th and 6th century AD जब दोबारा से इन केव्स को डेवलप किया गया तो काफ़ी रिचली डेकोरेटिव केव्स ऐड करी गई थी ओरिजिनल ग्रुप में. ओके, एंड क्योंकि अजंता केव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो दे वर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983. तो इसका ईयर भी याद रखिएगा, बोथ अजंता एंड एलोरा केव्स वर डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983. नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोटल यहाँ पे केव्स 29 हैं. अब ये जो केव्स हैं ये डिवाइडेड हैं 2 पार्ट में, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. आई थिंक इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है. सो 25 आर द विहारास. ठीक है, सो 29 में से 25 केव्स विहारास हैं. विहारास बेसिकली रेजिडेंशियल केव्स होती थी या मोनास्ट्रीज कह सकते हैं हम. एंड 4 आर द शैत्यास. सो शैत्यास बेसिकली प्रेयर हॉल्स होते थे जहाँ पे प्रेयर्स बेसिकली की जाती थी. ओके, सो 29 केव्स आर इन टोटल, 25 आर द विहारास और द रेजिडेंशियल केव्स, एंड 4 आर द शैत्यास और द प्रेयर हॉल्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा. पहले हम देखते हैं केव्स ऑफ द सतवाहना पीरियड. सो सतवाहनास एज आई टोल्ड यू 1st and 2nd century BC में इनका डेवलपमेंट हुआ था, एंड यहाँ पे जब डेवलपमेंट हुआ था सतवाहना पीरियड में तब बहुत ज़्यादा जो केव्स थी उनको डेकोरेटिव नहीं बनाया गया था. अगर आपने बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सो बुद्धिज़्म इज़ बेसिकली 2 फेजेस में डिवाइडेड है. एक है हिनायना बुद्धिज़्म एंड एक है महायान बुद्धिज़्म. सो हिनायना बुद्धिज़्म में बुद्धा को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट नहीं किया जाता था और उनको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करा जाता था पेंटिंग्स वगैरह में. सो जो
सतवाहन के टाइम पे जो पेंटिंग्स बनी थी दोज वर मेनली द पार्ट ऑफ हिनायन बुद्धिज्म एंड महायान बुद्धिज्म में जो बुद्धा थे उनको एज अ फिगर रिप्रेजेंट किया जाता था पेंटिंग्स में. सो जो वकटकास के टाइम पे जो पेंटिंग्स बनी थी दोज एक्चुअली बिलोंग टू द महायान बुद्धिज्म. ठीक है, सो ये भी याद रखिएगा. अब जो केव्स हैं सतवाहना पीरियड की वो याद रखिएगा, 9, 10, 12, 13 and 15A. ठीक है, 9, 10, 12, 13 and 15A, these are the caves which were belonging to Satvahana period. ठीक है, and इसमें से ये जो cave 9 और 10 है ये बहुत ज़्यादा important है, these are the earliest caves. ठीक है, अब UPSC confuse कर सकता है, UPSC can give you the statement कि Ajanta में cave 1 and 2 are the earliest cave, and सुनने में भी यही लगेगा कि भाई 1 and 2 है तो वो earliest caves होंगी, but no, केव 9 और 10 अर्लीस्ट केव्स हैं जो सबसे पहले बनाई गई थी सतवाहना पीरियड में. ओके, अब इन केव्स में काफ़ी मुराल्स पेंटिंग प्रेजेंट हैं. ठीक है, सो मुराल पेंटिंग्स बेसिकली जो डायरेक्टली वॉल्स होती थी केव्स की उसके ऊपर कलर्स से पेंटिंग की जाती थी उनको मुराल्स बोलते थे. तो काफ़ी मुराल पेंटिंग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, दे डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम द जटाकास. सो जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज होती थी उनको इन पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया गया है. देन केव 9 एंड 10 आर द शैत्यास. ठीक है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पे कि 25 तो विहाराज हैं एंड 4 शैत्यास हैं. सो ये जो 4 शैत्या केव्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड 9 एंड 10 केव्स जो कि सतवाहनास के टाइम पे बनी थी दे आर द शैत्यास, ये भी याद रखिएगा. ठीक है, बाकी जो केव्स हैं 12, 13 एंड 15 है दे आर द विहाराज, 9 एंड 10 आर द शैत्यास. And the first Satvahana period caves lacked figurative sculpture emphasizing the stupa instead. तो अभी मैंने आपको बताया कि हिनायना बुद्धिज्म के टाइम पे इन केव्स को डेवलप किया गया था तो बुद्धा को एज अ फिगर कम रिप्रेजेंट करा जाता था, जो ज़्यादा फोकस रखा जाता था वो सिम्बॉलिकल फॉर्म्स पे रखा जाता था. सो स्तूपा पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा जाता था इस टाइम पे. एंड एक बार सतवाहना पीरियड में केव्स बन गई थी यानी फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी बीसी में केव बन गई थी, उसके बाद इस साइट की बहुत टाइम तक डेवलपमेंट नहीं हुई थी. फाइनली दोबारा से 5th and 6th century में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी अंडर द वकटकास. सो अब केव्स और द वकटका पीरियड देख लेते हैं. तो ये स्टार्ट हुआ था 5th century में ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर हरिशेना ऑफ द वकटका डायनेस्टी. सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्परर हरिशेना का नाम याद रखिएगा, बिकॉज क्वेश्चन यूपीएससी में ये आ सकता है कि वकटका डायनेस्टी में तो केव्स डेवलप हुई थी बट कौन से एम्परर के अंडर में हुई थी. सो एम्परर हरिशेना. ओके, एंड जो सेकेंड फेज है इट इज़ रिलेटेड टू महायाना बुद्धिज्म, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. सेकेंड पीरियड की केव्स हैं 1 to 8, 11 and 14 to 29. ठीक है, 1 to 8, 11 and केव नंबर 14 to 29. आउट ऑफ दीज ऑल केव 19 and 26 आर द शैत्यास एंड द रेस्ट आर द विहाराज. ठीक है, सो ये यहाँ पे हमें चार हमारी जो शैत्या केव्स हैं उनके बारे में पता चल गया. ये जो 4 शैत्या केव्स हैं दीज आर केव नंबर 9, केव नंबर 10, केव नंबर व्हाट वाज इट, आई थिंक 19 and 26 ना, यस केव नंबर 19 and 26. तो 4 शैत्यास कौन है, 9, 10, 19 and 26, दीज आर द शैत्यास. आउट ऑफ दीज 9 and 10 आर द अर्लीस्ट केव ऑफ द अजंता केव्स. सो ये फैक्ट याद रखिएगा. सो ये चार के याद रखिएगा कि ये शैत्यास हैं, बाकी सारी विहाराज हैं. नाउ पेंटिंग्स भी प्रेजेंट हैं अजंता में. सो पेंटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वेल प्रिजर्व पेंटिंग्स यहाँ पे मिलती हैं. मोस्टली यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं वो बुद्धा की लाइफ से ही रिलेटेड हैं. जटाका टेल्स आई हैव टोल्ड यू बुद्धिस्ट लेजेंड्स होते हैं जो कि बुद्धा की प्रीवियस लाइफ से उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी टेल्स वगैरह हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, एंड दीज आर नोन एज जटाका टेल्स और जटाका टेल्स वट एवर यू कॉल देम. देन अजंता इज द ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ द 1st century BCE and 5th century CE. तो 1st and 5th century की जो पेंटिंग्स थी ज़्यादा प्रेजेंट है नहीं. जो साइट्स हैं काफ़ी इंडिया में साइट्स हैं जहाँ पे पेंटिंग्स बनी होंगी लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गई, बट अजंता में काफ़ी ये जो पेंटिंग्स हैं ये वेल प्रिजर्व हैं एंड दीज आर द ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड. अब यहाँ पे जो मोस्टली हमें पेंटिंग्स मिलती हैं वो मिलती हैं मुराल पेंटिंग्स. ओके, सो मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स आर मुराल्स हेयर.
फ्रेस्को पेंटिंग्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, बट मोस्ट ऑफ द देम आर मुराल्स. अब आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, वाटर मुराल्स एंड वाटर फ्रेस्कोस. सो मुराल बेसिकली होते हैं जब डायरेक्टली वॉल पे पेंटिंग कर दी जाती है तो उसको तो हम बोलते हैं मुराल. फ्रेस्कोज में क्या होता था कि पहले एक प्लास्टर जैसा कुछ बनाया जाता था मड वगैरह से, उसको पहले दीवार पे लगाया जाता था, फिर उसके ऊपर स्कल्पचर जैसी बनाया जाता था, उनको हम बोलते थे फ्रेस्को पेंटिंग्स. ठीक है, तो याद रखिएगा अजंता में जो मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स हैं दे आर मुराल पेंटिंग्स. ठीक है, एंड सीलिंग, जो केव की सीलिंग होती थी यानी छत होती थी, वहाँ पे भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एंड डेकोरेटेड पेंटिंग्स बनाई गई हैं इन द अजंता केव्स. अब ये पूरा अजंता केव्स का आर्किटेक्चर है, ये इस तरीके से है अजंता केव, एक सेमी सर्कल फॉर्म में. एंड केव 1, 2, 3, 4 पूरा यहाँ से लेके 1 से लेके 29 तक केव्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं. एंड जो 4 चैत्य केव्स हैं उनको यहाँ पे भी देखो स्क्वायर में हाईलाइट किया हुआ है, केव 9, केव 10, केव 19 एंड केव 26. दीज आर द 4 चैत्यास, रेस्ट ऑफ देम आर द विहारास. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के लिए याद रखिएगा. अब जो कुछ इम्पॉर्टेंट केव्स हैं उनको हम एक बार एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. सो सबसे पहले आती है केव 1. केव 1 काफ़ी इम्पॉर्टेंट केव है अजंता में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट केव एंड फेमस केव यहाँ पे केव 1 ही है. सो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको जो एक इम्पॉर्टेंट श्राइन मिलेगी वो बुद्धा की श्राइन मिलेगी, जिसमें बुद्धा बैठे हुए हैं धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में. ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस लॉर्ड बुद्धा की मुद्रा है, एंड काफ़ी जगहों पे धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में लॉर्ड बुद्धा की जो स्कल्पचर प्रेजेंट है. एंड इसमें जो एक सीटेड पोजीशन होती है, एंड इसमें जो बुद्धा के हैंड्स होते हैं वह चक्र जैसे उन्होंने फिगर बनाई है अपने हैंड से, जो कि धर्म चक्र जो लाइफ ऑफ साइकिल एंड डेथ होता है उसको रिप्रेजेंट करता है. सो याद रखिएगा कि जो बुद्धा की श्राइन है इन द धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा वो अजंता केव्स की केव नंबर 1 में प्रेजेंट है. ओके, एंड इसमें 2 बहुत फेमस पेंटिंग्स मिलेंगी आपको, दैट आर ऑफ बोधिसत्वास. अब बोधिसत्वास बेसिकली वो लोग होते थे जो कि बुद्धा के बताए हुए रास्ते को फॉलो करते थे, एंड जो प्लेज कर लेते थे दैट वी विल बिकम लाइक बुद्धा, तो उनको बोलते थे बोधिसत्वा. तो 2 बोधिसत्वा की बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं. 1 इज द वज्रपानी, दिस इज द वज्रपानी एंड दिस इज द पद्मपानी. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इनके बारे में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन इन पर डेफिनेटली आ सकता है. सो पद्मपानी जो पेंटिंग है उसमें जो बोधिसत्वा है ही इज होल्डिंग लोटस इन हिज हैंड. ओके, नाम से ही पता चल जाएगा पद्मपानी. एंड वज्रपानी में जो बोधिसत्वा है ही इज होल्डिंग थंडर बोल्ट इन हिज हैंड. ओके, सो पद्मपानी जो है ये काफ़ी कंपैशनेट बोधिसत्वा को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो वज्रपानी है ये काफ़ी एग्रेसिव फॉर्म ऑफ बोधिसत्वा को रिप्रेजेंट करता है. मेन इसमें ये याद रखेगा पद्मपानी इज होल्डिंग लोटस इन हिज हैंड एंड वज्रपानी इज होल्डिंग द थंडर बोल्ट इन हिज हैंड. सो केव 1 के 3 जो इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस स्कल्पचर्स हैं, दैट इज धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा ऑफ बुद्धा, देन पद्मपानी बोधिसत्वा एंड द वज्रपानी बोधिसत्वा. 1 फेमस पेंटिंग इज द टेम्पटेशन ऑफ मारा. सो टेम्पटेशन ऑफ मारा एक ऐसी पेंटिंग है जो अजंता की लगभग सारी केव्स में प्रेजेंट है. सो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट एक केव आएगी उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में. नाउ दिस इज केव नंबर 2. सो केव नंबर 2 जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर इट्स फेमिनाइन फोकस. सो फेमिनाइन फोकस का मतलब ये है कि इसमें जो पेंटिंग्स हैं वो ज़्यादातर फीमेल डाइटीज़ की पेंटिंग्स बनाई गई हैं. सो ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि कौन सी अजंता केव में, कौन सी केव में फेमिनाइन फोकस है, केव नंबर 2 में. ओके, एंड यहाँ पे एक बहुत फेमस कार्विंग है ऑफ गॉडेस हरिति. ठीक है, सो गॉडेस हरिति की कार्विंग आपको मिलेगी अजंता में केव नंबर 2 में. एंड गॉडेस हरिति बेसिकली एक बुद्धिस्ट डाइटी थी, एंड शी वॉज एक्चुअली पहले शी वॉज अ डेमनेस एंड शी यूज टू डू द चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स ऑन द चिल्ड्रन. शी वॉज ऑल्सो चाइल्ड ईटर, बट देन बुद्धा कन्वर्टेड हर इन टू अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ईजी चाइल्ड बर्थ एंड द वन हु प्रोटेक्ट बेबी. सो शी वॉज बेसिकली अ डेमनेस एंड शी वॉज कन्वर्टेड इन टू अ डाइटी बाय द लॉर्ड बुद्धा. ठीक है, तो याद रखिएगा गॉडेस हरिति कौन थी एंड गॉडेस हरिति की पेंटिंग आपको कौन सी केव में मिलेगी. देन
कुछ यहाँ पे फ्रेस्कोज और प्रेजेंट हैं, इंक्लूडिंग द मिराकल ऑफ सरस्वती, अष्टभ्य अवलोकितेश्वर एंड द ड्रीम ऑफ माया. ठीक है, सो दिस इज मिराकल ऑफ सरस्वती एंड ये काफ़ी सारी केव्स में प्रेजेंट है. सो मिराकल ऑफ सरस्वती बेसिकली एक टेल है जिसमें सरस्वती एक जगह थी एंड वहाँ पे जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने खुद को बहुत सारे 1000 बुद्धा में डिवाइड कर लिया था. ओके, ही अपियर्ड इन द फॉर्म ऑफ 1000 बुद्धा. तो ये जो पेंटिंग है इसमें आपको जो बहुत सारे बुद्धा दिख रहे हैं, दिस इज द मिराकल ऑफ सरस्वती. ओके, एंड द वन इज द अष्टभ्य अवलोकितेश्वरा. सो अवलोकितेश्वरा इज अ स्कल्पचर ऑफ बोधिसत्वा हु इज वेरी कंपैशनेट एंड लविंग. सो ये भी है. एंड वन इज द ड्रीम ऑफ माया. सो ड्रीम ऑफ माया भी एक बहुत फेमस जटाका टेल है जो कि काफ़ी सारी केव्स में आपको मिलेगी. माया वॉज द मदर ऑफ लॉर्ड बुद्धा. ठीक है, सो ये याद रखिएगा, माया कौन थी? माया वॉज द मदर ऑफ लॉर्ड बुद्धा. एंड उनको एक बार सपना आया था कि एक वाइट एलिफेंट आया है उनके पास हु हैड 6 टस्क एंड ही एंटर्ड इन हर एंड व्हेन द एलिफेंट एंटर्ड इन हर शी गेव द बर्थ टू लॉर्ड बुद्धा हु वॉज टू बिकम द रूलर ऑफ द वर्ल्ड देयर आफ्टर. ठीक है, तो ये ड्रीम ऑफ माया था, इसकी भी पेंटिंग यहाँ पे प्रेजेंट है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केव इज द केव नंबर 10. सो केव नंबर 10 इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट है इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ठीक है, सो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिलती है संस्कृत में विच इज़ इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड ये जो इंस्क्रिप्शन है ये काफ़ी ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है विच इज़ बीइंग डेटेड टू 2nd century BCE. सो अगर क्वेश्चन आता है कि अजंता केव में कौन सी केव में आपको वन ऑफ द अर्लीएस्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट में संस्कृत इंस्क्रिप्शन मिलेगी, सो रिमेंबर केव नंबर 10. ऑल्सो यहाँ पे एक सदांत जटाका टेल को भी बताया गया है. सो दिस टेल वॉज ऑल्सो अबाउट द 6 टस्क्ड एलिफेंट. एक और यहाँ पे जटाका टेल फेमस है, डैट इज द श्यामा जटाका. इट वॉज अ टेल अबाउट अ मैन हु डेडिकेट्स हिज लाइफ सर्विंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स. सो ये कुछ यहाँ की फेमस पेंटिंग्स हैं. सो एक याद रखिएगा केव 10 के बारे में कि एक तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट मिलेगी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, देन यहाँ पे 2 जटाका टेल्स को डिपिक्ट किया गया है. वन इज द सद्दांत जटाका, डैट इज अबाउट अ 6 टस्क एलिफेंट एंड अदर वन इज द श्यामा जटाका, डैट इज अबाउट अ पर्सन हु सर्व हिज ब्लाइंड पेरेंट्स. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केव इज द केव नंबर 16. केव नंबर 16 के बारे में सबसे पहला फैक्ट तो ये याद रखिएगा डैट इट इज द लार्जेस्ट केव. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट केव इन अजंता. तो अगर क्वेश्चन आता है कि केव कौन सी केव लार्जेस्ट है अजंता में, सो रिमेंबर केव नंबर 16. एंड यहाँ पे एक जो पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग है दिस इज़ द पेंटिंग ऑफ द डाइंग प्रिंसेस एंड इससे एक स्टोरी रिलेटेड है कि एक प्रिंसेस होती है एंड जो प्रिंसेस होती है उसके जो हस्बैंड होते हैं ही सेड दैट नाउ ही विल बिकम अ बोधिसत्वा एंड ही विल अडॉप्ट द बुद्धिज्म एंड ही विल स्टॉप बीइंग अ प्रिंस. सो द प्रिंसेस नियरली डाइज बिकॉज शी थॉट दैट नाउ शी विल नॉट बी अ प्रिंसेस, शी विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वियर ज्वेलरीज एंड सो ऑन. सो ये एक पेंटिंग है डाइंग प्रिंसेस की जो कि बहुत फेमस पेंटिंग है. सो याद रखिएगा डाइंग प्रिंसेस इज प्रेजेंट इन केव नंबर 16. एंड ये जो केव नंबर 16 है द पैटर्न ऑफ दिस केव. सो ये जो केव थी इसको बेसिकली बनवाया था वराहा देवा ने. ओके, सो वराहा देवा वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हरिसेना. ठीक है, सो ये भी याद रखिएगा केव नंबर 16 में डाइंग प्रिंसेस प्रेजेंट है, लार्जेस्ट केव है अजंता केव्स में एंड द पैटर्न ऑफ केव 16 वॉज द वराहा देवा. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केव इज द केव नंबर 17. सो केव नंबर 17 के बारे में पहला फैक्ट ये याद रखिएगा डेट उपेंद्र गुप्ता वॉज द पैट्रन ऑफ दिस केव. सो उपेंद्र गुप्ता ये याद रखिएगा. नाउ यहाँ पे एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है डैट वॉज रिटन बाय उपेंद्र गुप्ता. ठीक है, उपेंद्र गुप्ता भी किंग हरिसेना के अंदर ही एक किंग था. फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम चलता था कि एक किंग के अंदर और काफ़ी सारे किंग होते थे. सो किंग उपेंद्र गुप्ता वॉज द पैट्रन ऑफ केव नंबर 17 एंड ही हैज़ रिटन अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन दिस केव इन विच ही एक्सप्लेन दैट ही हैज़ एक्सपेंडेड एबेंडेंट वेल्थ. ओके, अपनी वेल्थ के बारे में इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है एंड यहाँ पे काफ़ी सारी जटाका टेल्स लाइक श्रद्धांता विच इज़ अ वेरी फेमस जटाका टेल अबाउट द 6 टस्क एलिफेंट, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है. सो दीज वर सम फैक्ट्स रिगार्डिंग द केव नंबर 17. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केव इज द केव नंबर 19. सो केव नंबर 19 इज द शैत्या केव. ओके, सो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये शैत्या केव है, 5th century CE में इसको बनाया गया था एंड ये काफ़ी डेकोरेटेड केव है. यहाँ पे बहुत सारी जो बुद्धा हैं उनकी पेंटिंग्स एंड उनकी जो डाइटीज़ हैं वो आपको मिलेंगी
एंड एक यहाँ का बहुत फेमस जो पेंटिंग है, दैट इज मदर एंड चाइल्ड लेजेंड. ओके, सो ये याद रखिएगा, मदर एंड चाइल्ड लेजेंड इज प्रेजेंट इन द केव नंबर 19 एंड इट इज अ शैत्य केव. द लास्ट इंपॉर्टेंट केव इज द केव नंबर 26. तो जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केव है अजंता केव में, दैट इज केव नंबर 1 एंड द केव नंबर 26. सो केव नंबर 26 में एक तो ये इसलिए फेमस है बिकॉज हेयर यू विल फाइंड द सर्कम एम्बुलेशन पाथ और द प्रदक्षिणा. ठीक है, तो बुद्धिज्म में बेसिकली स्तूपा बनाया जाता था एंड स्तूपा के चारों तरफ एक पाथ बनाया जाता था जिसका चक्कर काटना होता था एंड उसको बोलते थे प्रदक्षिणा. ओके, दैट वाज आल्सो नोन एज प्रदक्षिणा. सो ये याद रखिएगा, केव नंबर 26 के अंदर प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है. ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत फेमस आर्टवर्क है, दैट इज महापरिनिर्वाणा ऑफ बुद्धा. ठीक है, सो ये जो आपको फिगर यहाँ पे इमेज दिख रही है, दिस इज महापरिनिर्वाणा ऑफ बुद्धा. सो महापरिनिर्वाणा बेसिकली जब बुद्धा की डेथ हो गई थी एंड आफ्टर हिज डेथ ही अगेन गेन्ड द निर्वाणा, तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा. ठीक है, एंड यहाँ पे एक और बहुत फेमस पेंटिंग है, टेम्पटेशन ऑफ मारा. सो टेम्पटेशन ऑफ मारा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, देन आई सेड कि मैं आगे वाली स्लाइड में कवर करूंगी. सो मारा बेसिकली एक डेमन था एंड ही सेड सेंड हिज ब्यूटिफुल डॉटर्स टू द बुद्धा टू टेम्प्ट हिम. ओके, सो बुद्धा बेसिकली मेडिटेट कर रहे थे एंड उन्होंने, ये जो मारा था, डेमन था, इसने अपनी ब्यूटिफुल डॉटर्स को भेजा बुद्धा के पास टू ब्रेक हिज मेडिटेशन. बट बुद्धा वॉज नॉट टेम्प्टेड एट ऑल एंड जो मारा था उसका सारा प्लान फेल हो गया था. सो दिस इज वॉट इज द टेम्प्टेशन ऑफ मारा. ये बहुत फेमस पेंटिंग है, क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है, सो रिमेंबर दिस. अनदर फेमस स्कल्पचर इज द भूमिस्परा मुद्रा. सो यहाँ पे जो बुद्धा हैं उनको डिपिक्ट किया गया है भूमिस्परा मुद्रा में. अब भूमिस्परा मुद्रा में बेसिकली जो बुद्धा हैं वो भूमि यानी कि अर्थ को टच कर रहे हैं एंड बेसिकली इसमें वो डिपिक्ट कर रहे हैं कि वो अर्थ को एज अ विटनेस दिखा रहे हैं कि मारा ने अपनी डॉटर्स को भेजा था मुझे टेम्प्ट करने के लिए, बट आई वॉज वेरी रेजिस्टेंट एंड आई डिड नॉट ब्रेक माई मेडिटेशन. सो ही इज टचिंग द अर्थ एज अ विटनेस, कि अर्थ विटनेस है वॉट एवर हैज हैपेंड. ओके, सो दिस इज अ वेरी फेमस मुद्रा, भूमिस्परा मुद्रा. एंड जो फर्स्ट केव में हमने देखी थी, दैट वॉज द धर्म चक्र परिवर्तना मुद्रा. ठीक है, सो यही सारे फैक्ट्स थे अजंता केव्स के रिगार्डिंग जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. दिस इज इट फॉर दे एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.